दोस्तों यहाँ देखिए बोर्ड पे लिखा हुआ है प्रसाद स्कीम के तहत यानी मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म द्वारा। तो 17 सीधे चले जाएंगे रेडू तालाब बाएं, दुर्गाकुंड बाएं, लहुरा भी नई सड़क कैंट दाहिने। सामने देखिए यहाँ पर हनुमान लस्सी की दुकान है, काफ़ी फेमस है, काफ़ी बढ़िया लस्सी मिलता है यहाँ पर। ये देखिए सामने ये है दो पहिया वाहन पार्किंग, ये देखिए आप यहाँ पर लिखा है ना दो पहिया वाहन पार्किंग। ये नंदी जी का स्थान देखिए मुख्य इनका इस साइड है। ये बताते हैं कि काशी विश्वनाथ मंदिर बाएं तरफ है। यहाँ देखिए बोर्ड पर लिखा है विश्वनाथ, यहाँ पर विश्वनाथ मंदिर लगभग 400 मीटर है, देख सकते हैं यहाँ पर आप। मैदागिन 1.4 किलोमीटर, काल भैरव 1.7, दशरथ घाट यहाँ से ये 600 मीटर बस है। चलिए चलते हम लोग, सूरज की किरण देख रहे हैं आप, आ गई है। ये रिश्ता ऑटो प्रतिबंधित क्षेत्र है यातायात कमिश्नर द्वारा। देखिए बोलार्स लगे हैं यहाँ पर ताकि दो पहिया वाहन का आवागमन बंद हो सके, लेकिन कोई फायदा उदा है नहीं। सुबह सुबह देखिए माला फूल आपको मिल जाएगा, दातुन मिल जाएगा, गंगा स्नान करने जा रहे दातुन लेके अंडरवियर डब्बे मिल जाएंगे। और सामने देखिए संजय गांधी मार्केट, पहले यहाँ पर मार्केट हुआ करता था, टांगा स्टैंड हुआ करता था, उसी जगह पे ये पार्किंग बना हुआ है। देखिए बैठने के लिए यहाँ पर बेंच लगा हुआ है पत्थर वाला, और शाम का पूरा मार्केट देखने को मिल जाएगा आपको यहाँ पर। हाँ दोस्तों यहाँ पर जितने मार्केट देखेंगे ज़्यादातर दुकान जो है वो है कपड़ों की यानी बनारसी साड़ियों की, लड़कों का कपड़ों की दुकान बहुत कम होगा यहाँ पर यानी ना के बराबर है। यहाँ देखिए आप केसरी रेस्टोरेंट जाने का दाहिने रास्ता है, सामने चौराहा दिख रहा है। जितने लोग मैक्सिमम आ रहे हैं गंगा स्नान करने हेतु, अब बहुत हॉर्न यूज करते हैं यहाँ पर लोग, बहुत हॉर्न यूज करते हैं एकदम। सुबह सुबह सफाई काम चल रहा है। जितने वायरिंग देख रहे थे अंडरग्राउंड कर दिया गया है, ये लाइट लगा दी गई इस टाइप का, और इसे कितने लोग लंदन स्ट्रीट करते हैं, लेकिन बनारस बनारस है, इसे किसी देश से कंपैरिजन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये प्राचीन आध्यात्मिक नगर है और इसकी जो महत्ता है उसके बराबर कोई नहीं है। सामने यहाँ पर देखिए मंदिर है, संत केशव महादेव मंदिर, अब शांति हनुमान मंदिर। पहले यहाँ पर कई बड़ा बहुत सारा पीपल ब्रिज हुआ करता था, बहुत बड़ा, लोग जला दिए काट के हटा दिए इसको। और यहाँ पे देखेंगे जितने भी बिल्डिंग हैं सभी एक कलर में हैं। यहाँ भी देखिए साड़ी की दुकान है। और दोस्तों अगर आ रहे हैं आपको निःशुल्क भोजन करना है, देखिए यहाँ पे लिखा है श्री काशी विश्वनाथ मंदिर अन्न क्षेत्र अंदर है, ये रास्ता अंदर जाने का है। होटल साहू, हाँ सुबह सुबह का नज़ारा एकदम है, दिखाता हूँ टाइम आपको। सात 37 डेट बता दूँ, 30 जनवरी सोमवार। आज मंदिर में काफ़ी भीड़ भी ज़्यादा होगा काशीनाथ मंदिर में, क्योंकि बाबा का दिन है आज। सूर्य की किरण देखें यहाँ से आप देख रहे हैं ना, ये व्हील चेयर की व्यवस्था भी है। काशी मंदिर दर्शन कराने हेतु लगभग एक लोग का 400 रुपये लेते हैं।
ये बोर्ड टूट गया पूरा, ये बोर्ड भी एक रंग का दिखाया गया, सब बंदर कूद कूद के तोड़ दिए हैं। देख सकते हैं यहाँ पर आप सामने है काशी विश्वनाथ मंदिर गेट नंबर 1, ये काशी विश्वनाथ द्वार और शंकराचार्य जी की मूर्ति यहाँ पर लगी हुई ऊपर। देख रहे हैं आप ये जो गली है विश्वनाथ गली है, भोजन थाली 80 रुपये। देखिए खिचड़ी बाबा मंदिर के पास खिचड़ी बनना स्टार्ट हो गया है, किसान देखिए खिचड़ी बाबा मंदिर लिखा ना, और यही बाएं तरफ है बृहस्पति भगवान जी का मंदिर। गुरुवार वाले दिन काफी भीड़ होता है यहाँ पर। सुबह शाम वीडियो क्वालिटी अच्छी आती है, इसलिए मैं सुबह वीडियो बनाना या शाम को वीडियो बनाना प्रेफर करता हूँ, क्योंकि इसे फोटोग्राफी या फिर वीडियोग्राफी की लैंग्वेज में गोल्डन आवर कहा जाता है, क्योंकि हार्ड लाइट नहीं होती एकदम। यहाँ बाएं तरफ है धार समेत लॉज, तो सुंदर लग रहा है। मान मंदिर वैभव लॉज, यहाँ देखिए लगा है कोलार उधर भी लगा हुआ है, कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ पर सुगम दर्शन टिकट मिलता है, यहाँ पर अलकनंदा क्रूज मिलता है 900 रुपये टिकट वैसे क्रूज का, 750 रुपये प्लस GST। मैंने चाय दुकान राजू टी स्टॉल, और यहाँ पे देखिए सामने शौचालय है ये वाला, देखिए सोलर शौचालय, कितने डिब्बे ला कर रख दिए हैं गंगा जल के लिए। यहाँ भी देखा आया है प्लास्टिक के जरिए कहना है, देखिए यहाँ पर शौचालय है, तो बाहर गंदगी करते हैं मत करिए, शौचालय का उपयोग करिए। जगह दिखाई दिए कहाँ पर है, मैं यहाँ था समय भवन है, ये यह मछली सट्टी 2 दोपहिया वाहन पार्किंग हुआ करता था। फिलहाल वीडियो द्वारा इस समय दुकानों का अलॉटमेंट चल रहा है। आ गए हम लोग घाट पर, देख रहे घाट का परिवर्तन किया गया है, ये जो पत्थर देख रहे पूरा नया बदला गया है, चुनार पत्थर लगाए गए हैं करोड़ों की लागत से। सामने माँ गंगा के दर्शन कर लीजिए, दर्शन घाट के बारे में जानकारी दिया गया यहाँ पर, देख रहे हैं पढ़ लीजिए इसे पोस्ट करके आप, बिना अनुमति ड्रोन उड़ाना प्रतिबंधित है, तभी उड़ा देते हैं सब, अब यहाँ से नहीं उस पर से लोग उड़ा देते हैं, कितना पकड़ेंगे। ये भोलेनाथ घूम रहे हैं यहाँ पर, देखिए सामने जो सूर्योदय कितना बढ़िया लग रहा है देखने में। यहाँ पर पंडाल लोग बैठे रहते हैं टीका लगाने के लिए, पूजा अर्चना कराने के लिए। यहाँ तक फोटोग्राफी भी होता है। और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो यही देखिए विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती होती है यहाँ पर, गंगा सेवा निधि द्वारा 7 अर्चकों द्वारा होती है। ये पूरा व्यू देख लीजिए कितना, जो बनारस बसा हुआ पूरा मुखी है, इसलिए देख सकते हैं जब सूरज किरणें पड़ती हैं तो काफ़ी सुनहरा लगता है।
और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आप हमें UPI सहायता करना चाहते हैं तो अनिल शर्मा 555@UPI सहायता कर सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, हर हर महादेव।